हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं द ग्लिच्ड अट्रैक्शन को, होपफुली, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला वीडियो एंड होगा इस गेम का। लास्ट वाले वीडियो में मैंने फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिक्स खेला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एक्चुअली। एनीवेज, तो अभी हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं जो है रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर सकता। एनीवेज, लेट्स सी, अभी हम लोग गेम में तो आ चुके हैं। मेरे पास अभी भी वही घटिया फ्लैश लाइट है, जो कि काम से ज़्यादा साउंड करता है। अभी मुझे जो है लोडिंग स्क्रीन पर वैन ही दिखी। मैंने कभी फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिक्योरिटी ब्रिज खेला नहीं, वो बच्चों का गेम है एक्चुअली, बहुत ही घटिया गेम था। ह्यूमन मोशन डिटेक्टेड, हम लोग आए थे यहाँ पर, इसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। आई फाइनली गॉट हिम ए बॉडी, आई हैड टू फाइंड हिज ओरिजिनल बॉडी टू एक्सट्रैक्ट हिज रेमनेंट एंड रीएक्टिवेटेड टू क्रिएट ए न्यू बॉडी आई यूज्ड, जो भी है बहुत सारा राइटिंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली। ये देखो भाई साहब, इन लोगों ने लिटरली ब्लू प्रिंट दे रखा है हमें कैसे इन चीज़ों को बनाना होता है। ऑफकोर्स हम लोग एक बनाएंगे एंड देन लोकल किंडरगार्टन में छोड़ के आएंगे। बच्चे बड़े अनोइंग होते हैं बाय द वे, पता नहीं भाई इन सब चीज़ों को, मतलब इतना इंजीनियरिंग के बाद ये लोग बच्चों को डराते हैं, सोच के देखो बस। वेट ए सेकेंड, ये देखो एक इंसान का स्कल, आई थिंक ह्यूमन मोशन, व्हाट द हेल, कोई और आ रहा है आई थिंक। एक सेकेंड, कौन आ रहा है? ओ माय गॉड, वैनी पता नहीं कहाँ से आ गई, ये इंसान है आई थिंक, ह्यूमन मोशन डिटेक्टेड, या फिर बस एक एनिमेट्रॉनिक है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। इसके अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड का स्पिरिट था आई थिंक, हाँ आई थिंक वही सीन है। क्या हमें फ्रेडी मिलेगा अपने हेल्प के लिए? अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फर्स्ट से हम लोग जो है फ्रेडी के साथ लड़ते आ रहे हैं, पर अभी शायद फ्रेडी हमारा हेल्प कर सकता है। What the hell is this? ये क्या है भाई? एक सेकेंड, स्प्रिंग ट्रैप, ओ माई गॉड, हट जा मेरे सामने से भाई। अच्छा ये फीमेल है, अच्छा नाइस, मुझे पता था। इसका क्या कर रही है भाई ये? वेट, ये स्प्रिंग ट्रैप नहीं, इसका क्या नाम था? ये जल चुका था राइट? वेट ए सेकेंड, ओ माई गॉड प्लीज, इसे भी डरा दिया भाई। पता नहीं इसका प्लान क्या है, इसके पास एक चाकू भी है। अच्छा नहीं, इसका नाम बर्न ट्रैप है राइट, हाँ ये जल चुका था फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिक्स के बाद, जला हुआ स्क्रैप ट्रैप, मरेगा नहीं भाई ये। क्या इसे मारने वाली है? प्लीज किल किल हिम, एक काम अच्छा करना वैनी अपनी जिंदगी में। वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, ये चली गई भाई। एक सेकेंड, इसे मत खोलना भाई साहब, इसे मतलब हमारा बंदा लिटरली इतना सब कुछ सर्वाइव कर चुका है, क्या हमें भागना पड़ेगा? मैं यहाँ पर आके नहीं मर सकता भाई, प्लीज मरना मत। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? क्या मैंने कुछ गलती किया था? ये कोई बैड एंडिंग है आई थिंक। ये कैसे हो सकता है भाई? लिटरली हम लोग फर्स्ट से इतने सारे नाइटमेयर से बच के निकल आए, लास्ट में एक पंच ने हमें हरा दिया, व्हाट द हेल। आई थिंक हम लोग मरे नहीं, कहाँ पर आ गए हम लोग, आई डोंट नो, पर लेट्स सी क्या हुआ ये, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये लोग कोई, अच्छा नहीं ये लोग कोई चीज बना रहे हैं क्या? हम लोग सामने चलते हैं, हमें पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये म्यूज़िक मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, ये क्या हो रहा है? वेट अ सेकेंड, वही पार्टी हो रहा है जहाँ पर बाइट ऑफ 87 आई थिंक, क्राइंग चाइल्ड, उसके भाई और दोस्त, और हो रहा है स्टेज पे वो फ्रेडी, नाइटमेयर फ्रेडबेयर। यहाँ पर हम लोग क्यों लौटे बाय द वे? क्या ये लोग हमारी मेमोरीज को शो कर रहे हैं, या फिर बस कोई और स्टोरी बता रहे हैं? प्लॉट ट्विस्ट, लेट्स सी। ये देखो ये लोग इसे उठा रहे हैं, नहीं ऐसा क्या हम लोग इसे रोक सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, ये लोग बस एक स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने बहुत पहले देखा था। और ये म्यूज़िक पता नहीं कहाँ से हो रहा है, ये शायद किसी के अंदर का मेमोरीज है, इसे ये लोग फोर्सफुली उसके साथ खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता वो क्या चीज़ है। क्राइंग चाइल्ड को पता था ये कुछ सेफ चीज़ नहीं, या फिर बस नहीं मुझे नहीं पता, ये सपना और रियलिटी के बीच में एक थ्योरी है, मैं जिसे कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। अभी भी ये थ्योरी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इफ एन एफ का लोर, स्पेशली ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 4, इन लोगों ने लिटरली उसके मुंह पे चढ़ा दिया और देन उसका स्प्रिंग लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। माइकल को कभी पता नहीं था ऐसा होने वाला है। देखो सब लोग जा चुके हैं, इसके फेस पे एक बाइट, पर इसका फेस कुचला नहीं, अजीब बात है। दिन तो क्या हम लोग क्राउच कर सकते हैं? नहीं हम लोग क्राउच नहीं कर सकते। इसका फेस एक्चुअली अच्छे शेप में है, मुझे लगा था ये पूरा बहुत ही डिस्गस्टिंग शेप में हो जाएगा, इसका ब्रेन निकल आएगा, पर छोड़ो जो भी है। अब यह पर क्या होने वाला है, लेट्स सी, कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं अभी। अब बस ये डॉल है, पता नहीं ये डॉल किस चीज़ का डॉल है। वेट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी, इन लोगों ने मुझे बाइट ऑफ 87 दिखाया, जो कि मुझे बहुत पहले से पता था, 87 या 83 कन्फ्यूज़ मत करना बस पीछे।
ये कौन सा एनिमेट्रॉनिक है? नाइटमेयर फ्रेडबियर तो लग नहीं रहा, उसके दांत होते हैं बड़े बड़े। अच्छा नाइटमेयर फ्रेडबियर जो था हमारे सपने में आता था, क्राइंग चाइल्ड के सपने में। व्हाट द हेल हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई? ये बन ट्रैप को शायद एक इंसान मिल गया गोस्ट की तरह। ये क्या बैड एंडिंग था? कोई एनिमेट्रॉनिक जो है वापस से जिंदा हो गया, रिप्लेस्ड। हाँ भाई ये बैड एंडिंग था, हमारी बॉडी को किसी ने रिप्लेस्ड कर दिया एक और एनिमेट्रॉनिक्स के साथ। और ये क्या गेम एंड हो गया? ये कैसे हो सकता है? बहुत छोटा वीडियो बन गया देन तो। थैंक यू फॉर प्लेइंग, लेट्स सी ये लोग कोई और सीन दिखाने वाले है नहीं। 9:14 PM यस हमारा गेम स्टार्ट हुआ था आई थिंक। सेम फोन सेम बैकग्राउंड। डूड Just left the new Fazbear attraction. My friend, take all your stuff and come here. You have to see this. A location was sent to you. ये सब कुछ सेम रिपीट हो रहा है क्या? किसी और बंदे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? कोई नाइटमेयर स्थापना? मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई, ये क्या हुआ था या फिर नहीं हुआ था। बट एनी वेज गाइस, ये था इस गेम का एंडिंग। आई थिंक आप लोगों ने इस गेम प्ले को इन्जॉय किया। इन्जॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई और अच्छा सजेशन है आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।